बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है कि सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा जी, आज की वीडियो शुरू कर दें। इतवार का दिन आज तो अदल मार भी घर ही आ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मौसम खराब आ, बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर। तो सुबह दी मैं बर्तन वगैरह धोले, बिस्तर वगैरह अदन बेटी ने कट्ठे किए, रूम की साफ सफाई अदन बेटी ने की है। तो बाकी बाहर मैं झाड़ू लगा लगी सी, क्योंकि साढ़े सेंच दरख्त इन्ने ज़्यादा पत्ते खिल रहे पे आ, लेकिन हवा की वजह तो झाड़ू नहीं लग रहा। तो मेहमान भी आ रहे हैं, भाभी आसिया हुनी कल दे गए सी, मतलब मामी हुना कोल, मतलब भाभी आसिया दे अपने यानी कि मायके गई हुई सी, क्योंकि हमना बेटी भी कह रही थी कि मम्मा पापा सानू मिल के जाओ। तो मैं अरदास हुई हाँ, भाई ने कहा भी चलो सर्दियाँ शुरू होने तो पहले पहले एक चक्कर लगाया वा, नाले तो हमना भी लिया वा, तो नाले क्योंकि फिर जो जानवर वगैरह अंदर बन्न लग पैना वा, फिर घरों निकल हों। जिस बंद ने डंगर वगैरह रखे, जानवर रखे आ, वह बंदा नहीं कि भी जा सकता। तो फिर हूँ उन्होंने तो हूँ उन्होंने आना वा, तो मैं तो अदन तो मार बैठी इंतजार कर रही हाँ। वो आते हैं तो फिर उन्होंने चाय पानी भी पिलाने, जी कोई गप शप हुई अपने भैन भाई ने शेयर करते हैं। तो चलो हूँ मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर दी हाँ। तो जी भी कोई अपनी गप शप हुई अपनी वीडियो सारी भाई जवेद भाभी आसिया नाल शेयर करा। तो इस वीडियो बाहर पत्ते पुत्ते काफ़ी किलर हुए, ये ना भैन भाई कह के साफ सफाई नहीं की, बहुत तेज़ हवा चल रही है। एक बार मैं दोबारा दस रही हाँ, तो साफ सफाई हवा रुकेगी तो होनी है। तो चलो जी ठीक है, अपनी वीडियो शुरू कर दे। अच्छा जी, चाय बना रही हूँ भाभी आसिया तो भाई जवेद आया, काफ़ी सर्दी है, रात की बनी हुई, चूल्हा बंद कर दें, चाय बन गई इस साइड, चावल आ दो प्लेटा पाई, मैं चलो बच्चे गर्म करके भी नाल दें, तो खा लेंगे। बिल्कुल लाइट मिर्च वाले बनाए हुए चावल। हिबा हिबा पी आई है जियान ना खेलन वास्ते, तो चलो मैं पहले चाय दे ला। सर्दी लग गई मोटरसाइकिल काफी ज्यादा लाल रंग मकान दूर है ज्यादा रही मिठे शामी पका के रख लेंदी, मोई ने मिठे खाने, चाय पाना
असि अज सुबह दल तक कोई काम नहीं किया। जियान ठंड तो अंदर लैके बैठे देखो मोइज नाल बाहर चलिया गया। अच्छा जी ए काफ़ी हवा चल रही है, पत्ते पत्ते खिल रहे हुए फिलहाल तो सफाई नहीं की। जियान नूं सुबह दी लैके बैठी सी रूम च के ठंड ना लग जाए, तो लेकिन जियान हुण मोइज बेटा खेल रहा मार उन्हां दे पिछे जांदा वा। हाँ जी इहनूं मैं हुण मतलब हाँ जी झोली च पा के सलांदी हाँ। तुसीं दसो चावल किस तरह के बने आ? नहीं तरपाई करन लगी सी मैं, क्या भी कोई पीस गुम ना जावे, माड़ी मोटी खड़ी कीती हल्ले ते। हाँ जी दिल करदा बीस तरह होवे तो बस टूट पिया। हाँ जी इस तरह ही है हुण, गां सर्दियां जे इस तरह ही होनी है। मोटरसाइकिल सब सर्दियां बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। चलो आज अल्लाह तुहानू खैर करिए तने घर पहुंचा दे। नहीं छोड़ दे, मैं छोड़ दे, जान दे जिद्दां जांदा। एक सड़क कोई दरवाजा खोलिया मुश्किल ने जां पवे तू के कोई हल्ले बणी नहीं साग पका के लैके आई मामी घरों, ते कहिंदी सी बाजी थानू भी दे के जाऊं। मैं इन्नी खुश हां कि अज मैनूं सालन नहीं पकाउणा पैणा क्योंकि सर्दी आ, बच्चियां नूं संभालां या सालन बनावां। हां जी हाँ जी सर्दी ना निकल जाए बच्चा कड़ा। हाँ जी वही तो गल है, मैं तो इन्नी खुश हाँ कि चलो मेरे ना अज दे डंग दा मतलब बन जानी है। बिलकुल ठीक अच्छा अच्छा सर्दियां सब्जियां वैसे बहुत मजेदार बन दी। हाँ जी मैं राती चावलां चिकन भी पाए बोटियां बोटियां सी रात नूं खत्म कर दी, सुबह गर्म नहीं हुंदियां फेस करके बस हुण सब्जियां ही आं विच। हर कोई साग नूं तैनूं पता भाई कुछ नी कहिंदा साडे कोल इस तरह अम्मी जी ने घी भेजिया, लेकिन मक्खन ज्यादा मजेदार लगदा साग। हुण किसे न्याणे ने नहीं तो मक्खन मंगवा लेंदे चक च। चलो तुसी खाओ तो सलीना चाह पियो तो मैं जियान नूं पकड़ के लिआवां। जियान गेटो बाहर चल गया वा। जियान हुण मोटरसाइकल ते जा रहा मोइज दे पिछे। जदों दा सुबह दी बहुत तेज हवा चल रही है, मैं सफाई करन लगी सी लेकिन सारे पत्ते हाँ जी उड़ उड़ के ना पिछे नूं आई जांदे सी पत्ते। हाँ जी मैं क्या हवा रुकेगी तो फिर मैं ना करांगी सफाई। जियान किधर जा रहे हो बोल के साथ खेल के दिखाओ मामी को। छक्का बनाऊगा जेडी शायद गुलाब दी ना चना दा दाना नींबू उन्हां वे खेलदा वा हुण गुम गया हथों। मर साइड ते हो एक तां पानी वाली केन साडी राह च पई है लास दा तैनूं देख के ना दो उपर वाली दो नीचे वाली बस दस महीने का हो गया। हां जी चक च अपनी कणक वगैरा दी बिजाई कर कहते थोड़ी जी रूड़ी जी पानी सी ते ओ पा के ते फिर दूसरा किला भी कट्ठी सारी बीज दवा
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜਰਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਥਰੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਬਾਜਰਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਾਜਰਾ ਗਿੱਲਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਚ ਕੱਲ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੱਟੂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਨ ਲੱਗੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਬੱਚਿਆ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮਾਮੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ, ਆਪਣਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਓ।